मॉर्निंग एवरीवन, हमारे किचन से आपका स्वागत है। हाँ देखिए, नहीं आप लोगों को दिखा रहा है कि पराठा बन रहा है। हाँ कैसे बनता है उसके क्लासेस लिए जा रहे हैं। यस नीफ, दे रही हूँ। तुम्हारा यहाँ है नीफ का पराठा, इधर है ये वाला है ना। तो नीबू भी अपना पराठा खा रहा है, साथ में पापा पराठा बना रहे हैं। ये लो यहाँ है ना, और साथ में वो देख भी रहा है पराठा कैसे बनता है। तो नीब को बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, इधर से नया सीखा है कि अगर कोई भी यहाँ कुछ कुक कर रहा है तो गोदी में आना है। अब है ये थोड़ा सा डेंजरस काम, पर अगर आप गोदी नहीं लेंगे तो वो पैर खींच खींच के अंदर का तो बाल तो खींचने लगता हो जाता है। क्या है नीबू वो? डेंजरस काम कर सकते हैं या खूंखार बच्चे के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। क्या है नीबू, लाइट है? अच्छा तुम सबको जय श्री कृष्ण तो बोलो। जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। ये कैसा जय श्री कृष्ण, देखो ये ऐसे। नमस्ते 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 कर, नमस्ते। इतना अच्छा नमस्ते सीखा नमस्ते है पर नहीं करना। वेरी गुड नमस्ते। कितनी ज्यादा कड़कती भड़कती धूप है, देखिए कि यहाँ पे बैठना मुश्किल है। जबकि अभी देखिए 9:30 बज गए हैं, तो नीव यहाँ पे खेल ही नहीं सकता है बैठ करके, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी धूप ज्यादा आ रही है। तो अब सोच रही हूँ ना कि यहाँ पे कर्टन्स भी लगाए जाए। वही मैं अंगद को कल बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ करते हैं, स्पेशली इस वाले एरिया में ना, नीचे तक कर्टन नहीं करूँगी, ये वाला एरिया छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पे वो खड़े होकर बाहर भी देखता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है हाई टाइम है कि कर्टन्स लगाने ही पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने रक्षाबंधन ब्लॉग को बहुत पसंद किया, आप लोग को बड़ा अच्छा लगा। मैं ना जब भी जाती हूँ मायके, जनरली शूट नहीं करती। मेरे ब्लॉग में आपने बहुत कम बार देखा होगा, क्योंकि जनरली जब जाते हैं तो कोई ओकेजन नहीं रहता, तो बस बैठ करके बातें करते रहते, तो उसमें मैं क्या ही शूट करूँ। पर इस बार एक ओकेजन था और नीव का पहला रक्षाबंधन था तो बनता था, बहुत ही एंजॉय किया नीव ने। जैसा मैं सोच के जा रही थी कि इतने सारे लोग होंगे तो डरेगा, वैसा नहीं रासिन। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. भैया के घर से आते आते हम लोग को रात में 12:30 बज गए, और नीबू वहां पे ना 9:30 सो गया था। 9:30 से 12:30 वो सोता रहा, कभी मेरी गोदी में कभी अंगद की गोदी में। पर जैसे हम लोग घर आए उठ गया, उसके बाद कुछ उसको गिफ्ट्स मिले थे, खिलौने वगैरह वहां से, वो अभी खोलो पैकेट और अभी खेलूंगा। उसके बाद रात के 2 बजे तक मैं खेलता रहा, मतलब फुल एनर्जेटिक हो गया था। और मैं और अंगद टायर्ड थे, थक के आए थे, हमें सोना था, पर नीबू जो मस्ती कर रहा था ना, फिर 2 बजे तक उसको खेलते 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 फिर उसको सुलाया। डायपर बैग तक मैंने खाली नहीं किया था, छोड़ दिया था, कल भी टाइम नहीं था। कल मैं अपना फ्रिज वगैरह किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ करी थी, रोज कुछ ना कुछ एरिया घर का पकड़ के मैं सफाई में लग चुकी हूँ। तो कल था मेरा किचन एरिया, तो उसमें लगी थी, थोड़ा थोड़ा काम खत्म किया। एनी वे तो अब जाकर डायपर बैग खाली कर रही हूँ। अच्छा मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप नीबू को डायपर में रखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या उसको रैशेस की प्रॉब्लम नहीं आती? क्योंकि आपको पता है ना गर्मी का मौसम है, इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, ऐसे में बच्चों को आप डायपर में रखोगे तो रैश की प्रॉब्लम हो जाती है। पर मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है नीव को लेकर के, क्योंकि मैं जो डायपर यूज करती हूँ वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, देखिए ऐसे पैकेट में करके ही ना, मैं जब डायपर बैग में भी रखती हूँ ना इसको, ऐसे पैकेट में रखती हूँ डायपर्स। और मैं जो डायपर यूज करती हूँ वो देखिए है, मैंने पहले भी शेयर किया है, वो है माइलो बेबी डायपर्स। तो बहुत ही अच्छा रहता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए अगर आप परेशान हो, अगर आपके बच्चे रात में बार बार उठ जा रहे हैं क्योंकि डायपर लीक हो जा रहा है या उसको रैश की प्रॉब्लम आ जा रही है। एक बार आप ट्राई करके देखो माइलो का ये बेबी डायपर।
पाइपर पैंट्स, आप इसे बार बार परचेस करोगे क्योंकि बेबी के स्किन पे ये बिल्कुल सॉफ्ट है कॉटन की तरह। ये रैश फ्री फॉर्मूला से बना है क्योंकि इसमें है एलोवेरा लोशन और ये डर्मेटोलॉजिकली एंड पीडियाट्रिशियन टेस्टेड है। इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई लेटेक्स, अल्कोहल, पैराबीन या हैवी मेटल का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और ये आपको देता है 12 घंटे का स्लीप प्रोटेक्शन, तो बेबी आपका रात में बार बार उठेगा नहीं, तो आपकी और आपकी बेबी के लिए बन जाता है माइलो बेबी पैंट्स एक स्लीप गार्डियन। तो मैं जो साइज़ यूज़ कर रही हूँ नीव के लिए वो है मीडियम साइज़, तो 7 kg से लेकर के 12 kg तक के बच्चों के लिए आप मीडियम साइज़ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लेना है माइलो का ये बेबी डायपर्स तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे लेते हैं माइलो के वेबसाइट या ऐप से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाइएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं और मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार माइलो का जो ऐप है ना उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है। उस ऐप को मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी यूज किया है, तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट हो या कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो या ऑलरेडी एक मदर हो, हर एक केस में आपको माइलो का ऐप है वो बहुत काम में आएगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मॉमी कम्युनिटी जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर दूसरों के पूछे हुए क्वेश्चन के कमेंट को पढ़ के आपको खुद भी जवाब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल आर्टिकल्स मिल जाते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाता है, साथ में यहाँ पे ना बहुत सारे म्यूजिक दिए गए हैं जो बेबी को सूथ करने में आपका हेल्प करेगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे मिलता है आपको माइलो का स्टोर जहां से आप अपने लिए और अपनी बेबी के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्कुल रिजनेबल रेट में परचेस कर सकते हैं। तो एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माइलो का डायपर तो मैं बहुत टाइम से नीव के लिए यूज कर रही हूँ, आपसे शेयर करती आ रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आपको लेना होगा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कौन सो के उठिया, देखिए देखिए मॉर्निंग नैप लेके नीव उठ गया। आज ना हमारे घर में ना पानी नहीं है, हाँ वो लाइट है, वो फैन है, तो टंकी साफ हो रहा सोसाइटी का तो पानी है नहीं, तो आज इसकी मालिश वाली को बोल दिया नहीं आने के लिए। दीदी ही इसको ना थोड़ा सा वाइप करके कपड़े बदल देगी, वाइप करके। हाँ क्या है, हाथी है नीवू, दिखा दो कैसा हाथी है। वाह ये सब ना देखिए, ये जो नीवू ने पहना है और ये जो नीवू ने पहना है कैसे, ये जो नीवू ने पहना है। नीवू को सबसे ज्यादा गुदगुदी यहाँ पे होता है। नीवू कैसे होता है गुदगुदी, हाय गुद 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 गुद, कैसे होता है गुद 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 गुद। ये सारा मैं बोल रही थी मैक्स से ही लेकर मैं आई थी, देखिए ये वाला टी शर्ट कितनी बार धोया फिर भी देखिए क्वालिटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं करा देंगे पानी है ना। कल मैंने बोला ना ये फ्रिज को मैंने क्लीन किया है, मतलब ऑर्गेनाइज तो क्या ही बोलूंगी, जैसा था वैसा ही रखा पर क्लीन किया। पर एक चीज़ बड़ा काम में आता है कि अगर आप ऐसा एक ट्रांसपेरेंट शीट रखते हो ना ग्लास के ऊपर, तो जो भी गंदगी होती है इसके ऊपर होती है, तो बस इसको निकाला, वॉश कर दिया, तो आपका जो ये है मेनली ये एक्रेलिक वाला पार्ट ये गंदा नहीं होता है, तो क्लीन करना ईजी हो जाता है। तो उसको निकालिए, वॉश कर दीजिए, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो ट्रांसपेरेंट रखने से क्या है, दिखने में भी ठीक ठाक लगता है। तो पूरा ये क्लीन किया और इस साइड भी ना मैं ऐसे आप देखोगे तो रखती हूँ छोटे छोटे बास्केट, तो इसमें नींबू है, इसमें मिर्ची है, इसमें अदरक है, तो ये भी साफ रहता है, निकालना भी इजी पड़ जाता है। बाकी यहाँ पे भी इस तरीके से रख देती हूँ ट्रे, तो क्या कोई भी जो केचप वगैरह है उसी के ऊपर रखिए, तो क्या है गंदा भी होगा तो नीचे ऐसे उठा करके क्लीन करना इजी है। तो कल बस इसको मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से सबको क्लीन कर दिया इस वाले पार्ट को। वैसे घर में एक ही एरिया है जो हमेशा आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, इसको मुझे ऑर्गेनाइज करने का टेंशन नहीं होता, वो है नीव का जो ये एरिया है ना। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही ना उसके होने से पहले ही मैंने क्या किया था, आइकिया से ले लिया था ये ऑर्गेनाइजर बास्केट, तो उसी में रखती हूँ कपड़े, तो अच्छे ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो इस साइड में देखिए इसके सारे मैं पैंट्स रखती हूँ, इधर में हो गए टी शर्ट्स और इधर में हो गए वंजीज एंड रोम्पर्स। तो इस तरीके से ये तीन एरिया है, इसमें हमेशा कपड़े अच्छे से ही रहेंगे, स्टैक्ड रहेंगे, तो मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने की टेंशन नहीं रहती है। बाकी हमारे कबर्ड तो है वो गंदे होते रहते हैं। इस साइड में देखिए यहाँ पे बर्ब क्लॉथ्स रहते हैं उसके, यहाँ पे उसके स्वेटशर्ट्स एंड अभी स्वेटर्स हैं क्योंकि कुछ दिनों से गर्म ठंडी थी तो ज़रूरत पड़ रही थी, अभी तो गर्मी हो गई। और उसी ठंडी के टाइम पे देखिए मैंने उसके लिए कैप भी खरीद लिया था जो अब अगेन ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर थोड़ा सा बड़ा साइज का लिया है तो विंटर में काम आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसके सॉक्स वगैरह रहते हैं, तो ये एरिया भी जो है, और हाँ उसके जो भी टॉवल्स वगैरह वो भी यहीं पे रहते हैं। और सबसे नीचे वाले सेक्शन में रहता है उसका, देखिए डायपर्स हो गया और जो भी उसके क्रीम ऑयल्स वगैरह जरूरत पड़ती है वो सब यहाँ नीचे में रखती हूँ। और पीछे में कुछ उसके ट्रैवल करने के लिए जो बाहर में जरूरत पड़ेगी ना बैग्स वगैरह की, वो पीछे स्टोर रखती हूँ। जैसे वो वाला देखिए डायपर कैडी है, वो हो गया रेडी। अरे ये तो नीचे उतर जा रहा है, ये तो नीचे उतर जा रहा है नींबू का, दिखाओ तो हाथी कहाँ है नींबू, हाथी कहाँ है, इधर है ना हाथी, नींबू के कपड़े में हाथी है ना,
हाँ ये हाँ वो ही है ना, एलिफेंट है ना, हाथी हाथी। चलो बाल बनवा लो, पहले बाल बनवा लो, चोटी बनवा लो। क्या है? कल ही आ गया था सोसाइटी ग्रुप में मैसेज कि आज जो है पानी नहीं रहेगा 3-4 घंटे, तो उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो कुक तो पहले ही आ गई, फटाफट खाना बना के चली गई, और अभी नींव का भी हो गया मैनेज। और देखिए ना, मेरा घी एकदम खत्म हो गया है, एकदम भी नहीं है, और मुझे आज किसी भी हाल में घी बनाना है। तो दिक्कत क्या हो गई है, मेरे दिमाग से उतर गया तो सुबह मैंने घी निकाला नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, डीप फ्रिज में रहता है, तो आप निकाल के रखोगे 5-6 घंटे तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है, थोड़ा सा कम मेहनत लगती है। ये देखिए, ये पूरा जो मलाई है ना, ये हमने 1 महीने में इकट्ठा किया है, तो इतने मलाई से घी इतना निकल जाएगा कि ये वाला पूरा यहाँ तक जो है आराम से भर जाएगा। तो दो दो, एक दे दो उसमें से, किसी को नहीं देगा। देखिए एक दे दो नींबू, एक दे दो, एक तुम रख लो। हाँ ये वाला दे दो, ये वाला। वेरी गुड, अब तुरंत छीनेगा, देखिएगा। दे दो, वो भी दे दो। वेरी गुड। अब मांग रहा है, देखो देते देरी ले लेता है। क्यों ले रहा है? गुस्सा देंगे, खाएंगे। दे दो खाने के लिए, दे दो नींबू, एप्पल दे दो, एप्पल दे दो। जा जा, खाओ तो, किसको खाना है? लाओ हम खाएंगे, खा ले। हाँ, खाना पीने से उसको क्या मतलब, खा लो, अच्छा है उसको तो। क्या हो गया? अच्छा दे दो मम्मा को, दे दो एक मम्मा को, दे दो एक, दे दो नहीं लेंगे, दे दो मम्मी को, एक दे दो मुझे, एक दे दो, दोनों नहीं, ये वाला ले लूं, देख लो। जा जा, बड़ा वाला बोल लेता, एक लाना पड़ेगा। दे दो लो। चलिए लंच करना हो गया, नीव गया दीदी के साथ में एक सोसाइटी का चक्कर काटने के लिए, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो गया, धूप नहीं है, तो गया घूमने के लिए। मैं बोलती हूँ अंगद को, अंगद इसको ना पक्का सोसाइटी का एक वॉचमैन की लिस्ट में इसका नाम डाल दो, क्योंकि घूमता रहेगा, देखता रहेगा, सबको पहचानता है, पता, और ये मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ना मैं उतना ज्यादा सोशल नहीं हूँ, अंगद भी उतना ज्यादा सोशल नहीं है। अब इतने सालों से हम लोग को देख रहे होगे तो पता होगा कि हम लोग उतना लोगों से नहीं घुलते मिलते हैं, मैं उतना नहीं घुलती पिलती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। मैंने देखा है कि ना, जब भी मैं ज्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो मेरे लिए सही नहीं होता, प्लस आई एम वेरी बैड विथ स्मॉल टॉक्स, मुझसे नहीं होता है। वो तो ना, कुछ लोग, मैं इसको बहुत बड़ा स्किल मानती हूँ कि बस मिले और हाय हेलो कैसे हो, छोटे से कुछ बात किया और निकल गए, मुझसे नहीं होगा। या तो आप मुझसे पूरा आराम से कॉन्वर्सेशन करो, अपना दुख सुख बताओ, मैं सुनूंगी, मैं सॉल्यूशन दूंगी, मैं अपना कुछ बताऊं, या तो मुझसे बात नहीं होता। और अंगद का है, अंगद स्मॉल टॉक कर लेगा, हाय हेलो कर लेगा, पर बस हाय हेलो के बाद अगर आप उससे लंबा कॉन्वर्सेशन करना चाहोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो कोई टोकेगा भी तो हाय कैसे हो, ठीक हूं, बस उसके बाद अंगद साइलेंट, एब्रप्टली साइलेंट, और सामने वाला सोचता है कि अब क्या ही बोले, तो उसका भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, उसका अलग सिचुएशन है। मेरा सिचुएशन है कि मुझे वो नहीं अच्छा लगता, कि तो मैं और अंगद वैसे हैं, तो हम दोनों का इसलिए बहुत जम जाता है, क्योंकि हम दोनों ही थोड़ा आपस में खुद में रहने वाले लोग हैं। पर ये बड़ा अच्छा है कि हमारा बच्चा वैसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्किल है एक्चुअली। मैं कोई प्राउडली नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो कम लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, सबसे बात नहीं करती, अंगद नहीं करती, नो इट्स नॉट गुड। ये एक स्किल है कि आपको आना चाहिए स्मॉल टॉक करना, हर इंसान से आपका दिल से कनेक्शन हो जरूरी नहीं है, हर इंसान से आप डीप कन्वर्सेशन करो जरूरी नहीं है, हर इंसान आपका हित में सोचे, आपसे बात करे जरूरी नहीं है, पर हाय हेलो कर लेते तो सही हो जाता है। तो नीव में वो स्किल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और ये हमारे अंदर नहीं है, तो हमको उसको सिखाने के लिए भी मेहनत लग रही है एक्चुअली, और आगे और लगेगी कि नहीं, सबसे इंटरेक्ट करना है, सबसे बातें करनी है, हालचाल लेते रहो, बात करते रहो, तो ये हम चाहते हैं, क्योंकि जो भी कमी देखिए आप में होती है, आप चाहते हो आपके बच्चे में वो पास ऑन नहीं होनी चाहिए। नीव के लिए ना मैंने एक मंगाया है, देखिए रोमपर तो है, तो देखिए ये 9 to 12 months के लिए ऐसा लिखा तो है, पर मुझे ना बहुत लंबा सा लग रहा है, ये देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वैसे यहाँ से पैर बाहर आ जाएगा, पर फिर भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, तो सोचा कि पहना के ट्राई कर लेती हूँ। और इस चक्कर में मैंने इसका जो है ये कपड़े भी खोले पहनाने के लिए, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है पहनाने की, क्योंकि कपड़े खोलने में ही इतना रोया है ना, इसको बहुत मुश्किल से मैंने देखिए अभी टी शर्ट पहनाया है। नींबू आ जा पैंट पहनने के लिए, आ इधर आ,
इधर आ, मैंने क्यों ही खोल दिया इसका, आ इधर आ। सीधा क्रैश लैंड। पैंट पहनो, पैंट पैंट पहनो। आता तो इतनी खुशी से जैसे बेटा मेरा खुद पहन ले। अरे वो उसको वो चाहिए स्टिकर के लिए, वो एक्साइटेड है। वो नहीं पैंट पहनना है। नागिन डांस। कैसे गिरा नागिन डांस। दोनों एक जैसे, कोई काम के नहीं, बस बदमाशी नहीं। वो इधर आओ, ये पहनना है बेटा, फिर नहीं मैं भेजूंगी नीचे खेलने के लिए, ठीक है? आज नींबू नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा नींबू नीचे, आज पढ़ाई करेगा मम्मा के साथ। आज कांटन का नींबू। इधर इधर आ, इधर आ, पहले पैंट पहन। एक तो इसके बाल भी खराब हो गए, वो भी ठीक करना। इधर पैर डालो उसमें, पहले पैर डालो। जा, ये क्या किया, ये क्या किया, टूट गया। ओ नो, अब क्या करें? यस यस, यही तो मकसद था मेरा। कैसे बोल रहा है? यस। बाहर का मौसम देखिए, बाप रे, इतने काले बादल है ना, लग रहा है अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। क्या किया रिमोट का ढक्कन? दीजिए रिमोट, दीजिए, दे दीजिए। कहाँ से मिला? दो मुझे वो, दो मुझे। वेरी गुड। दिन भर देखिए मैंने मलाई को बाहर रख दिया था ना, तो अब ये सही कंडीशन में है, अब इसको बनाया जा सकता है। ये देखिए क्या सुंदर नजारा आ रहा है, मेरी नजर पड़ी ना तो मैं क्या बताऊं, ये जो आपको चांद दिख रहा है ना, अभी देखिए ऑफ कोर्स कैमरा पे तो कैप्चर नहीं हो सकता, पर ये आंखों से इतना सुंदर लग रहा है। उसके आसपास देखिए वो जो बादल आ रहे हैं उस तरीके से, एंड इतना ब्राइट प्योर येलो मून है, और धीरे धीरे वो ऊपर आएगा। अभी ना मेरे बैल्कनी से नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो पेड़ है ना उसके पीछे छुप जा रहा है। देखो कितना सुंदर लाइट है नींबू वहां पे। हाँ, ये रूम आके नींबू हमेशा ऐसे देखेगा मानो फर्स्ट टाइम आया हो। कितना सुंदर लाइट है नींबू। हाँ यस, लाइट है, लाइट लाइट। हाँ कितना अच्छा है वो लैपटॉप है। अरे अरे उसको डर लग जा रहा है। अच्छा जीरू का है नहीं वो, जीरू का है, जीरू दिखाओ, जीरू का है, जीरू का है, का है ना? वो तो नहीं है जीरू, वो नहीं है। कौन है जीरू, का है? वो भी नहीं है, नहीं वो। सब दिखा दो बेटा। हाँ बेटा बेटा सब दिखा दो, एक तो निकलेगा ही ना, बहुत तेज हो बेटा। हाँ अब एक तो तुक्का लगना ही था। घी का क्या स्टेटस है देख लीजिए, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो ये हल्का हल्का देखिए ब्राउन होना शुरू हुआ है ना, अभी तो ये पूरा ऐसा कलर का जब तक ना आ जाए ना, ये जो आप देख रहे हो ना, तब तक इसको बनाते रहना है, बनाते रहना है, मतलब बहुत टाइम लगने वाला है। नीव गया अंगद के साथ में नीचे खेलने के लिए, आज ना शाम को हम लोग उसको नीचे नहीं ले गए, क्योंकि इतना बादल था, लग रहा था अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, मैं बारिश तो हुई नहीं। बाद में बच्चे लोग यहाँ से खेल रहे थे, गुजर रहे थे, चिल्ला रहे थे, नीव को आवाज आ रही थी, हम लोग उसको यहीं पे खिला रहे थे, बस जिद करना स्टार्ट कर दिया। तो अंगद ने कहा कि मैं 15-20 मिनट तो घुमा के लाता हूँ। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।